ड्यूरिंग जी क्या कह रहे हैं आप? सर ड्यूरिंग हंटिंग, अगर हम यहाँ पे वो जो आ जाए कि यूज फॉर्म में इतने और न्यू में, उसको हमें नहीं देखना, बस प्रिपेयर हाँ नहीं, उसको नहीं है देखना, को यूज देखना में है। नहीं देखना। हाँ जी, बस न्यू को देखना है, आपने यूज को नहीं देखना। ज्वाइन कर लिए आप लोगों ने? सबने हो गया सबका ज्वाइन? आप लोगों ने सेशन ज्वाइन कर लिया? अच्छा, हीलियम 10 फ्री वर्जन भी आप लोग यूज कर सकते हैं। इसमें एक लिमिट होती है, 20 दफा सर्च कर सकते हैं, तो इसको भी वैसे कर लेना आप लॉगिन। ठीक है, ये साइन अप इस तरीके से करना है। ये इस तरीके से आपने इसको साइन अप कर लेना है। ठीक है, ये इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा इसका। अच्छा, आपने सबका हो गया? करें स्टार्ट। अच्छा जी, देखें हीलियम 10 का, ये आप जब साइन अप करेंगे इस तरह से इंटरफेस आएगा आपके सामने। इसमें आपने जो हमारे होस्टेस से रिलेटेड काम की चीज़ है वो है सिर्फ ब्लैक बॉक्स, ये वाला जो सामने आ रहा ऑप्शन। बाकी जो है पीएल के हिसाब से है और दूसरे मल्टीपल फीचर हैं पीएल के हिसाब से, लेकिन अभी होस्टेस के हिसाब से हम लोग सिर्फ जस्ट ब्लैक बॉक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, ब्लैक बॉक्स में आपने आना है। ब्लैक बॉक्स में आके जो फिल्टर्स अब तक हमने पढ़े हैं वही फिल्टर्स इधर अप्लाई करने हैं, जो कल कीपा में अप्लाई किए थे उसी तरीके से इस पे भी अप्लाई करने हैं। इधर से आपने मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, ये सारी मार्केट प्लेस आ रही है जो सी मार्केट में आपने काम करना है। मार्केट प्लेस सेलेक्ट की, इधर से कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है, जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स देखने हैं आपने। ठीक है, उसके बाद मिनिमम प्राइस रेंज आपने देख लेनी, जिस प्राइस के भी आपने देखने हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन दोनों को अगर आपने करना है वो कर दें, नहीं भी करना तो आपकी मर्जी है। मिनिमम इसके मैंने कितने बताए हुए हैं? हाँ, और ये मिनिमम 3.5 होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद, हाँ उसके बाद फिर एडवांस फिल्टर्स में आके तो आप लोगों ने, अच्छा इसमें ये चीज़ अच्छी फीचर है, ये मंथली सेल्स का पूछा कि आपकी कौन सा ऐसा प्रोडक्ट देखना है जिसकी मंथली सेल्स कितनी होनी चाहिए, तो हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं कि कम से कम इतनी मंथली सेल्स होनी चाहिए प्रोडक्ट की। ठीक
ठीक है, उसके बाद BSR जो है US मार्केट में हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख दें, आप 50,000 तक रखना है, हम लोगों ने लेके कुछ भी रख लें। नंबर ऑफ सेलर्स का मैंने आपको बताया कि मिनिमम 3 हो, मैक्सिमम जो दिल करे आपका वो रख लें। और फुलफिलमेंट बाय, अच्छा ये जो दो ऑप्शन है ना, इसमें इन दोनों को सिलेक्ट करना है, अमेजोन को नहीं करना है। इसका मकसद है कि आपको कौन कौन सी लिस्टें दिखाए जिसमें कौन कौन से सेलर्स बैठे हों, तो इधर आपने सिलेक्ट करना है कि FBA या FBM सेलर्स बैठे हों, अमेजोन ना बैठा हो, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने वेरिएशंस का पूछा कितनी होनी चाहिए, वो अपने हिसाब से आपने जितनी करनी है, 5 से ज़्यादा ना हो। अगर आपने 0 करनी तो 0 कर दो बेशक। वेट का पूछा आपने, वेट का ऐड करना है तो कर दे, नहीं तो खैर है उसकी। और उसके बाद बस ये जस्ट आपने ये चीज़ें ऐड करनी है, और इधर से सर्च पे क्लिक करोगे तो आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसमें फ्री वर्जन में 20 सर्चिज के ऑप्शन देता है, और इधर से जो नीचे रिजल्ट्स आएंगे वो भी सिर्फ 20 ही आएंगे। ये अब आपके सामने प्रोडक्ट्स खुल गए हैं, वही वाले प्रोडक्ट्स जो हमारे मुताबिक हैं, जिनकी हर चीज़ हमारे मुताबिक है। सैलरीज हमने लिखा था मैक्सिमम 11 हो, इधर से 11 दिखा रहा है। मंथली सेल्स मिनिमम हमने रखा था 300 हो, वो दिखा रहा है। प्राइस रेंज भी हमारे मुताबिक है, मतलब सारा कुछ हमारे मुताबिक वो प्रोडक्ट्स निकाल के दे देगा हमारे सामने। फिर आपने वन बाय वन इसको चेक करना है, इसको भी सेम यही तरीके का है, या तो इसको वन बाय वन चेक कर लो, या फिर इसको जहाँ से जो है शीट डाउनलोड कर लो इसकी, ये डाउनलोड CSV आ रहा है, ठीक है। इसके भी दो ऑप्शन हैं, अभी आपको नहीं समझ आएगी शायद, आपको मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। ये इसका जो है करते हैं ना यार, मतलब डाउनलोड उसको डाउनलोड CSV कर लेंगे ना आप इधर से, तो ये डाउनलोड हो जाएगी। और अगर यहाँ से वन बाय वन ओपन करते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट पे क्लिक करते जाओ वो खुलता जाएगा, फिर उसको आपने देख लेना कि हमारे मुताबिक है कि नहीं। क्राइटेरिया वही है जो अब तक हमने पढ़ा था, ठीक है, याद है ना क्राइटेरिया? ठीक है, क्राइटेरिया हमारा वही रहेगा, बस उसके मुताबिक आपने वन बाय वन सर्च कर लेने के हमारे मुताबिक कोई है या नहीं है, ठीक है। हीलियम 10 के फिल्टर्स पता चल गए बिल्कुल सिंपल हैं इसके, कीपा के फिर भी ज्यादा हैं इसके, बिल्कुल सिंपल से और थोड़े से हैं। इसमें सिर्फ एक एडिशनल जो है फीचर वो सेल्स का है कि आपने मिनिमम सेल्स कितनी होनी चाहिए प्रोडक्ट की आपकी, ठीक है। सर, दोनों में से बेहतर कौन सा है, हीलियम या कीपा? दोनों बहुत अच्छे हैं फिल्टर्स के हिसाब से, दोनों बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, दोनों डिफरेंट रिजल्ट देंगे हर दफा, दोनों के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और सर अच्छा ये इसको भी के मार्केट में इसके ज्यादा शेयर रिजल्ट हमें मिले थे हीलियम के। सर ये नीचे जो नेगेटिव लिखा है परसेंटेज में, इसका क्या मतलब है? सेल्स ट्रेंड 90 डेज 90 डेज किस जगह पे? यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है सेल ट्रेंड में सर, ये -26% -26% सर, कहाँ पे? अच्छा ये या -27%। हाँ ये यस सर, सेल्स का बता रहा होगा कि पिछले साल के निस्बत इस साल इतने परसेंट कम होगी सेल्स। सर कीप हमें 20 तरह की नेगेटिव साइन, मतलब नेगेटिव में आ रहे थे परसेंटेज, और एरो अप और एरो डाउन आ रहे थे सर। उसका स्क्रीनशॉट भेजना, मैं आपको बता दूंगा वो किस चीज का है, ओके सर। ठीक है, ये इतने था हीलियम 10, ये समझ आ गया आपको, ठीक है। इसका जो एक फीचर और है तो वो सर, इसको भी फुली फुली फीचर्स यूज करने के लिए इसको भी बाय करना पड़ेगा? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है बाय करने की, ये आप फ्री में इसके काफी चीजें तकरीबन जो हमारे काम की चीजें ना वो फ्री में भी यूज हो जाएंगी। आप हर दफा न्यू ईमेल एड्रेस को 20 सर्चेज मिल जाती हैं आपको, तो वो 20 सर्चेज काफी हैं आपके लिए इनिशियल। तो फिर हंटिंग सर, मतलब हंटिंग तो फिर इतना मुश्किल नहीं है, इसमें तो प्रोडक्ट हम ढूंढ सकते हैं इजीली सर। बिल्कुल ढूंढ सकते हैं आप, आपको मेथड्स हम सारे बताएंगे, जैसे हीलियम 10 है, कीपा के फिल्टर्स हैं, इसके फिल्टर्स हैं, जंगल स्काउट के फिल्टर्स हैं, लेकिन वो फ्री में नहीं लगते। तो ये फिल्टर्स लगा के आप निकालते जाएं, डिफरेंट फिल्टर्स लगाएं, डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स निकलते जाएंगे। मुश्किल तो नहीं है इतनी सर, लेकिन वो मैनुअल अगर करें तो मैनुअल है, वो भी मुश्किल नहीं है, वो भी जब आपको बताएंगे वो भी ऐसा ऐसा आसान लगने लग जाएगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हर चीज आसान हो जाएगी आपकी। अच्छा, हीलियम 10 का एक और फीचर जो ग्राफ वाला फीचर है वो मैं आपको दिखाने लगा था, उसमें भी सेम इसी तरीके से ग्राफ बताता है जैसे कीपा में है, लेकिन उसके ग्राफ में थोड़े से कम फीचर्स हैं। अच्छा सर, ये लिस्ट प्राइस और न्यू प्राइस में क्या डिफरेंस है? मतलब अगर न्यू प्राइस $32 दिखा रहा है और लिस्ट प्राइस 29 दिखा रहा है, तो हम क्या समझें?
यार लिस्ट प्राइस वो होती है जिस प्राइस पे प्रोडक्ट को लिस्ट किया होता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल 6 महीने पहले ये पहले प्रोडक्ट लिस्ट हुआ था अमेजोन पे, तो जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था ना वो लिस्ट प्राइस होगी। और अगर आप करंट प्राइस भर गई भी है तो इसका मकसद ये है कि आप उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी तो सेलर ने उसकी प्राइस इंक्रीज कर दी होगी, इस तरह से कुछ चक्कर बना होगा। और सर ड्यूरिंग हंटिंग सर हम कौन सा प्राइस पे लेंगे? हम लोग करंट लेंगे, जो करंट चल रही होगी वो और 90 डेज की एवरेज, इन दोनों को आपने जेन में रख के माइंड में रख के आपने करना है। अच्छा इसमें ये देखो, इसमें जो है ना इसके फ्री फीचर्स में ये आपको सेल्स रैंक बताएगा और न्यू प्राइस और लिस्ट प्राइस के बारे में बताएगा, और जो इसका एक अच्छा फीचर है वो यहाँ पे आपको ना बता देगा कि इसका प्रॉफिट कैलकुलेटर यहाँ पे आ जाएगा, रेवेन्यू कैलकुलेटर। आप इस पर रेवेन्यू कैलकुलेटर पर क्लिक करोगे FBA, ये ऑटोमेटिक चीज़ें सारी निकाल देगा आपको, लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं होती हैं, ये जस्ट एक आइडिया के लिए होती हैं। अब ये अच्छा प्रोडक्ट कॉस्ट अगर आपके पास होगी तो आप ऐड कर दें, नहीं है तो बस आपने एक जस्ट आइडिया लेना था इसके अंदर। ये यूके में जरा हमें ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये वाला इसका फीचर, ठीक है। सेल्स एस्टिमेटर में ये सेल्स आपको एस्टिमेटेड सेल्स दिखा रहा होगा कि कितनी है, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि इसकी मंथली सेल्स कितनी है, 87 यूनिट्स पर मंथ दिखा रहा है इसका, ठीक है। इसके ये दो एडिशनल फीचर हैं जो आपको इसमें सामने ही फ्रंट एंड में शो हो जाएंगे आपका। नहीं सर, ये रेवेन्यू कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं? वो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, अभी रेवेन्यू लगा हुआ है, बाकी वो आप बैठ नहीं यहाँ पे होगा ज्वाइन है मीटिंग में आके, वो मैंने वो दिया है, क्या नाम है वो तस्वीर आई होगी उसकी, तस्वीर से मीटिंग आईडी उठा लो, तस्वीर होगी ग्रुप में। अच्छा यहाँ तक चीजें क्लियर है कि जो अभी हीलियम कब था मैंने वो देखो उधर वो आ गई है। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। इधर ही मैसेज में आप देखो, आपको मेरा सिस्टम फ्लो है, मैसेज में देखो आपको आ जाएगा, इधर क्लिक करोगे अच्छा। सॉरी सर वॉइस क्लियर नहीं। आप ठीक है, क्लियर है वॉइस? यस सर। अच्छा अब ये एक नया हमारे पास टूल है एफबी टूल किट, इसको आपने जो बुक मार्क अपना लगा लीजिएगा सारे एफबी टूल किट करके बुक मार्क कर लें। अब हमने जो यूएस की सेल्स देखनी होती है ना वो हमें इधर एफबी टूल किट से पता चलती है कि कौन सा प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट की जो मंथली या डेली सेल्स है ना वो हमें इधर से पता चलेगी। आप इधर ही मेरे साथ ही देख लो साथ साथ, वो आपको ना इधर से एफबी टूल किट से पता चलेगी कोई भी प्रोडक्ट, जैसे ये प्रोडक्ट था इसकी अब आपने देखनी है मंथली और डेली सेल्स कितनी है। कीपा ले लिया आप लोगों ने? ले लिया कीपा? नहीं लिया अभी तक? ये देखो इसमें जो हमारा बीएसआर होता है ना 90 डेज का एवरेज बीएसआर, जो इसका 9717 आ रहा है, ये आपने बीएसआर इधर से उठाना है, इधर से आपने कैटेगरी देखनी कौन सी है। कैटेगरी जैसे आपने देखनी है कि आपकी कौन सी है, जहाँ से टूल्स एंड इम्प्रूवमेंट है बीएसआर इसका 9717 है। अब इधर सारी कैटेगरीज जितनी भी अमेजोन पे कैटेगरीज लिस्टेड होंगी ना वो इधर सारी कैटेगरीज शो होंगी। अब ये टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में नीचे आके इधर आपने उसकी बीएसआर लिखना है 90 डेज का एवरेज बीएसआर, आप इधर ये लिखोगे। फ्री हाँ ये फ्री है, गो पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको डेली सेल्स दिखा रहा है, ये 21 जो है ये डेली सेल्स है, 30 डेज की एवरेज बता रहा है कि 21 डेली सेल्स हैं, लास्ट डे जो कल सेल हुई थी 14 यूनिट्स की हुई थी, और अगर आपने मंथ की निकालनी तो आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पूरे महीने की सेल्स नजर आ जाएंगी, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट का आपने देखना है, किसी भी कैटेगरी का आपने देखना है, एवरेज बीएसआर उठाना है आपने, एवरेज बीएसआर उठा के आपने एफबी टूलकिट में आना है, एफबी टूलकिट में सेम कैटेगरी में आ जाना। फॉर एग्जांपल अभी आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट, आर्ट्स एंड क्राफ्ट का फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी था उसका बीएसआर 9000 था, 9000 लेके आप एंटर करोगे तो ये आपको सेल्स दिखा देगा, इसकी डेली एवरेज सेल्स 11 की है, कल लास्ट डे जो है 13 हुई है, और अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 हो जाएगी सेल्स की, ठीक है।
इस तरीके से ये इसकी डेली और मंथली सेल्स आप निकाल सकते हैं किसी भी कैटेगरी की, किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है, ये यूएस मार्केट के लिए है। नहीं यूएस, हाँ यूके मार्केट के लिए डिफरेंट है, वही प्लान लगा। यूके मार्केट के लिए आपने जब करना है तो यूके मार्केट में आपने करना है वो जंगल स्काउट। यार ये माइक आप म्यूट कर लें, जब सवाल पूछना हो तो बेशक आप अनम्यूट कर लिया करें, वो फिर आवाज रिपीट होती है मेरे इधर। अच्छा यूके मार्केट के लिए हम लोग जे एस सेल्स एस्टिमेटर यूज करते हैं, क्योंकि उसमें एफ बी टूल किट नहीं ओपन होती यूके मार्केट में। जे एस सेल्स एस्टिमेटर में आपने आना है, इधर आके अपने कैटेगरी लिखनी है आपने प्रोडक्ट की, और उसका बी एस आर एवरेज लिखना, तो जो आपके सामने रिजल्ट दे देगा। ये भी फ्री है, जे एस सेल्स एस्टिमेटर भी फ्री है, जंगल स्काउट एस्टिमेटर। इसमें बेशक आप बुक मार्क अपना लगा लीजिएगा इसका भी। ये देखें इधर आपका जो था, जैसे अभी टूल्स की कैटेगरी थी 9717, इसका बीएसआर था, मार्केट इसकी यूके आपने सेलेक्ट करनी है। और कैटेगरी जो थी हमारी टूल्स वाली, वो कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। एस्टिमेटेड सेल्स ये आपको दिखा देगा कितनी है, 180 दिखा रहा है। ठीक है, इसकी मंथली एस्टिमेटेड सेल्स 180 दिखा रहा है, लेकिन जंगल स्काउट 100% सही रिजल्ट्स नहीं देता। जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस से किया वो इसका 50% एक्चुअल होते हैं रिजल्ट्स। 180 दिखा रहा है तो इसकी मंथली सेल्स 90 होंगी यूके मार्केट में। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने रिलाय नहीं करना कि ये 180 दिखा रहा है, ये यूके में आपको 50% कम होंगे इसकी जो भी सेल्स होंगी। ठीक है, यूएस मार्केट के लिए एफ बी ए टूल किट हम लोग यूज करेंगे, जो भी बी एस आर होगा वो आपने इस कैटेगरी के अंदर बॉक्स के अंदर लिखोगे वो दिखा देगा। यूके मार्केट के लिए आपने ये जीएस सेल्स एस्टिमेटर यूज करना है। ठीक है, पर जो बीएसआर लिखना है वो उधर यूएस मार्केट के लिए जो धरती पर से जो मिटाना है वो करंट वाला लिखेंगे हम या 90 डेज वाला? 90 डेज का एवरेज ठीक हो गया। ठीक है जी, 9717 एवरेज आ रहा था वो लिखना है हमने। ठीक है, उसके बाद है जी रेवेन्यू कैलकुलेटर। अच्छा, यहाँ पे अपनी जो शीट है ना, जो आपने वर्किंग शीट बनाई है, अब उसमें भी कॉलम्स ऐड करते हैं साथ साथ। डेली सेल्स का कॉलम एक ऐड करना है, फिर मंथली सेल्स का ऐड करना है। ये हमें एफबी टूलकिट से दोनों चीजों का पता चल गया कि डेली सेल्स कैसे देखते हैं और मंथली सेल्स कैसे देखते हैं। ये कॉलम आप ऐड कर लें अब इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोगों ने देखना है रेवेन्यू कैलकुलेटर। कंटिन्यू एज अ गेस्ट कर दीजिएगा, अगर सैलरी सेंटर है तो बेशक साइन इन कर लेने, तो कंटिन्यू एज अ गेस्ट कर दें। अभी जैसे इसका एसिन उठाते हैं, एसिन उठा के आपने इधर पेस्ट करना है, सर्च करना है। ये उसका प्रोडक्ट दिया, देख लो सेम प्रोडक्ट दिखा रहा है, जो यहाँ पे था प्रोडक्ट वही सेम प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा रहा है आपको। ठीक है, अब इसकी आपने आइटम की प्राइस उठानी है, ये प्राइस इसकी दी हुई है 29.05। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लेफ्ट साइड पे जो है ना योर फुलफिलमेंट, ये एफबीएम वालों के लिए है या ड्रॉप शिपर्स के लिए या एफबीएम जो कर रहे हैं उनके लिए है। जो राइट साइड पे अमेजोन फुलफिलमेंट, ये हम लोगों के लिए जो हम लोग एफबीए कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी प्राइस इधर आइटम प्राइस में आइटम प्राइस लिखनी है जो वो बता रहा था। ठीक है, उसके बाद सेकेंड कॉलम जो है वो है शिप टू अमेजोन। शिप टू अमेजोन कॉस्ट जो होती है, ये जो प्रोडक्ट का वेट आ रहा है ना पाउंड्स में, ये जो ऊपर आ रहा है इसका 50% होती है। ठीक है, अब यहाँ पे 1.17 है तो इधर फिर तकरीबन ये 0.5 बनेगी और ऊपर कुछ बन जाएगी, वो आप कैलकुलेटर में करके देख लेना। ठीक है, अब ये शिप टू अमेजोन फीस होती क्या है? ये शिप टू अमेजोन फीस होती है कि सप्लायर के वेयरहाउस से लेके या प्रेप सेंटर, जहाँ पे हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है, जिस जगह भी पड़ा हुआ है, बेशक क्लाइंट के घर पड़ा हुआ है, बेशक सप्लायर के पास पड़ा है, या जिधर भी पड़ा है, उधर से लेके अमेजोन अपने वेयरहाउस तक लेके जाने के लिए जो हमसे कॉस्ट चार्ज करता है ना, वो हमें ये चार्ज करता है। यानी कि जितना भी हमारे आइटम का वेट होता है उसका 50% चार्ज करता है हमसे।
ठीक है, अगर ये 1 से नीचे होगा तो वो फिर मिनिमम 0.5 करता ही करता है, ठीक है, ऊपर जितना जाएगा उस हिसाब से डिवाइडेड बाई 2 करो तो वहां पे चार्जेस देता है। ये जैसे कुरियर सर्विस वाले नहीं होते, इसी तरीके से अमेजोन की अपनी सर्विसेज हैं, वो अपनी USPS के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, UPS सबके साथ है, आपने जस्ट उनके लेबल्स बनाने हैं, वो खुद ही गाड़ी आपके वेयर हाउस से उठा के अपने वेयर हाउस तक ले जाएगी, उसके लिए हमसे चार्जेस लेते हैं, ठीक है। ये शिफ्ट टू अमेजोन कॉल सकते हैं, आपको बताते हैं कितने चार्जेस होंगे आपके प्रोडक्ट के भेजने के। ये सेम वही तरीके कार है कि अमेजोन का जो रूल है वो अमेजोन अपने आपके सप्लायर या आपके घर के जहाँ पे भी आपका स्टॉक पड़ा हुआ है उधर से लेके तो अपने वेयर हाउस तक जहाँ पे उसने बेच के रख के बेचना है वहां तक पहुंचाने के जो चार्जेस लेता है ना वो वजन का आधा हिस्सा लेता है, यानी कि जितना भी वजन होगा उसका 50% वो आपसे चार्ज करेगा। क्लियर है सर? जो नीचे वन लिखा हुआ है एक तो रेवेन्यू कैलकुलेटर वाला, ये भी मैं ज्यादा किया ही नहीं अभी यहां, ये रेवेन्यू कैलकुलेटर वाला सर, ये एक दफा दोबारा रिपीट कर दे। रेवेन्यू कैलकुलेटर का मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो आपने सबसे पहले आना है इधर, आपने एस इनपुट करना है, यहाँ पे एस इन का ऑप्शन होगा, ये यहाँ पे एस इनपुट किया आपने, सर्च पे आप क्लिक करोगे, ये आपके सामने प्रोडक्ट जो आप जिसका भी प्रॉफिट चेक कर रहे हो ना, जैसे अब हम इस वाले प्रोडक्ट का चेक कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट आपके सामने खुल जाएगा। ये देखो ये सेम प्रोडक्ट है इधर भी और ये सेम यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद लेफ्ट साइड क्यों पुट किया है यहाँ पे, किधर वन किधर किया, वो नीचे शिपमेंट मतलब जो यूनिट वेट के नीचे जो वन पुट किया है, अभी हम उधर तक पहुंचे नहीं, अभी पहुंचेंगे तो सब बताऊंगा, आप आगे आगे चलोगे तो कैसे बात बनेगी, साथ साथ सुनते जाओ, जहां ना समझ आए फिर आप एंड पे पूछो, ठीक है। अब ये देखो, अब ये जो लेफ्ट साइड पे है योर फुलफिलमेंट, ये है FBM और ड्रॉप शिपर्स के लिए, और अमेजोन फुलफिलमेंट जो है वो है हमारे लिए जो थर्ड पार्टी FBAs हैं जो हम लोग FBA कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ से इसकी आइटम की प्राइस उठानी है, ये आइटम की प्राइस है 29.05, ये आप इधर ऐड करें। उसके बाद सेकंड कॉलम जो है वो शिप टू अमेजोन फीस, ये समझ आ गई है, जो अमेजोन जहाँ पे भी स्टॉक पड़ा हुआ है उधर से उठा के हमारे अपने सॉरी अमेजोन के वेयर हाउस तक लेके जाने के लिए जो चार्ज करता है वो होती है 50% ऑफ द वेट होती है। अब ये जो इसका वेट आ रहा है इसका पाउंड्स में, इसका 50% है, ठीक है। अब ये जो वन आ रहा है ना, ये पूछा एवरेज यूनिट स्टोर वन, आपने कितने यूनिट का प्रॉफिट निकालना है। अब हम कहते हैं हमने सिर्फ वन यूनिट का प्रॉफिट निकालना है, अगर आपने 100 यूनिट का निकालना तो 100 इधर लिख दें, ठीक है, उसके हिसाब से अपने ऊपर प्राइसेस चेंज करेंगे, सारा कुछ चेंज करेंगे। अब हमने जस्ट वन यूनिट का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, बाद में हम उसी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसलिए फिर हम वन ही रहने देते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, ये वन क्यों लिखा हुआ इधर, सिर्फ वो पूछा कि आपने कितने यूनिट का प्रॉफिट निकालना है, हमने जस्ट वन यूनिट का प्रॉफिट अभी निकाल रहे हैं कि पर यूनिट हमें क्या प्रॉफिट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नीचे वो पूछा कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट अभी हमें नहीं पता, क्योंकि अभी हमने सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं की, सप्लायर से अभी हमें एक्चुअल नहीं पता कि प्रोडक्ट कितने का हमें पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें जस्ट एक हम एस्टिमेटेड कॉस्ट डाल देते हैं कि अपने अपनी मर्जी से एक एस्टिमेटेड वैल्यू डालते हैं, ठीक है। अब वो एस्टिमेटेड वैल्यू निकालने किस तरीके से हमने कि हमें कैसे पता चलेगा कि अंदाजे से भी लगा रहे हैं तो कैसे निकालें, तो इस तरीके से करेंगे कि हम लोग जो सेलिंग प्राइस है इसकी उसका 60% ले लेंगे हम, जैसे अब इसकी सेलिंग प्राइस है 29.05, इसका 60% लें तो ये आती 17.43, इधर हम लिख देंगे 17.43, कैलकुलेट करके देखेंगे प्रॉफिट है या नहीं है इसमें, इसमें $1.18 का प्रॉफिट है, और नीचे जो आ रहा है वो नेट मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है कि कितने परसेंट प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट इसलिए हम लोगों ने लिया कि अभी हमें एक्चुअल नहीं पता कि सप्लायर से क्या रेट पड़ेगा, हमें कितने की पड़ेगी, तो एक जस्ट हम एक कैलकुलेशन करने के लिए जो सेलिंग प्राइस है उसका 60% ले लेते हैं कि हो सकता है इसके नज़दीक नज़दीक या इससे ज़्यादा भी हो सकती है प्राइस या इससे कम भी हो सकती है, हमें प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। और नीचे जो आ रहा है नेट प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट बच रहा है इतने परसेंट, इसमें प्रॉफिट बच रहा है 4.06%, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सर? हमें ये तकरीबन इसका भी कुछ क्राइटेरिया है, इतना कितने परसेंट बढ़ना चाहिए, कम से कम 10% तो होना चाहिए, 10% हो तो फिर ही फायदा है, आपने किसी चीज पे इन्वेस्ट करे तो कम से कम 10% तो हो, बाकी हर बंदे का अपना जेन होता है, कोई 1-1% पे भी काम कर रहे होते हैं वो, बाकी हर बंदे का अपना जेन है, लेकिन
जो एक है मतलब हैंडसम अमाउंट तो बचनी चाहिए कि आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जी अब अच्छा जहां तक क्लियर है जी चीजें, अब ये जो इसमें दो चीजें एक एडिशनल नजर आ रही होंगी आपको, ये ब्लू कलर की जो आ रही है 4.36 और 5.4, ठीक है। ये जो आ रही है ना 4.36, ये कैलकुलेट कर रहा है, ये होती है रेफरल फीस, सेलिंग ऑन अमेजोन फीस, ठीक है। इसके ऊपर आप कर्सर करोगे ना तो जो दिखाएगा अभी रेफरल फी लिखा आ रहा है, यू पे रेफरल फी एंड क्लोजिंग फी, ठीक है। अब ये रेफरल फीस क्या होती है, रेफरल फीस होती है जो कस्टमर, आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया अमेजोन के ऊपर, अमेजोन के ऊपर कस्टमर आया, उसने सर्च किया कोई भी प्रोडक्ट का नाम सर्च किया और उसने आपका प्रोडक्ट शो करवाया, आपकी तरफ कस्टमर को रेफर किया, ठीक है। ये उस चीज को कहते हैं रेफरल फी, कस्टमर आपकी तरफ रेफर कर रहा है अमेजोन, ठीक है। ये उसकी ये चार्ज करता है आपसे अमेजोन, ये रेवेन्यू कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है, लेकिन जो एक एवरेज चल रही है ना अमेजोन की रेफरल फी वो 15% चल रही है, ठीक है। ये आप लोगों ने वैसे माइंड में रखना है, वैसे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी लेकिन आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि 15% अमेजोन चार्ज करता है रेफरल फी। कई प्रोडक्ट्स में जैसे बुक्स वगैरह उसमें 40% 30% भी चार्ज करता है, लेकिन ये क्या नाम है जो नॉर्मली प्रोडक्ट्स पे चल रहा था वो 15% चल रहा है, ठीक है। रेफरल फी क्लियर है, जो प्रोडक्ट को अमेजोन आपकी तरफ कस्टमर को आपकी तरफ आपके प्रोडक्ट की तरफ रेफर कर रहा है उसके वो 15% चार्ज करता है हमसे, ठीक है। और जो नीचे आ रही है ब्लू कलर में, मतलब इसका ये हुआ कि सर कोई भी अगर जिस दफा सेल हो रहा है उसी दफा वो आपसे 15% चार्ज करेगा, हर यूनिट पे चार्ज करेगा, हाँ हर प्रोडक्ट पे, हर सिंगल यूनिट पे। नहीं, अगर इसका मतलब ये है कि अगर कोई कस्टमर जो है वो कुछ आइटम सर्च करता है तो हमारी आइटम फ्रंट पेज पे दिखाने के लिए वो दिखा रहा है, 15% ले रहा है, मतलब रेफर दिखाने कर रहा है। हाँ रेफर कर रहा है, जब अगर कस्टमर बाय करेगा आपको पे करके चल जाएगा फिर वो काटेगा, वरना नहीं काटेगा, आपके पैसों से कटेगा, मतलब ठीक जो है, सेलिंग प्राइस है ना उसमें से जो माइनस होगा, ठीक है। इसमें तो बच में इतना बच ही नहीं रहा और इतना काट ले तो फायदा, हाँ बस ये तो है, वो उसका प्लेटफॉर्म है, वो उसने फीसिस रखी है, मतलब वो काट रहा है चीजें। मतलब 10% अगर हमने मार्जिन रखा है तो 15% अगर वो वही काट रहा है तो फिर 5% का तो नहीं ये लॉस ही होगा ऑटोमेटिक ना। कैलकुलेट कर रहे हैं, ये देखो ना इसमें ऑलरेडी कैलकुलेट करके फिर हमें दिया, डेफिनेटली उसका प्लेटफॉर्म है, वो हर तरफ से कमा रहा है, भी ये देखो शिपिंग फी भी कमा रहा है, रेफरल फी भी कमा रहा है, एफबीए फीस भी उसने लेनी है, उसका तो प्लेटफॉर्म है, वो तो कमाएगा, उसने फिर आपको भी मौका दिया है कमाने का, वो फिर हमने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। अच्छा ये देखो ये जो दूसरी ब्लू कलर में दिखा रही है ये है फुल एफबीए फीस, वो जो मैंने आपको बताया था ना फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होती है फीस, ये वो फीस है। ये कौन सी फीस होती है, ये वो फीस होती है जो हाँ जो अपने अपने वेयर हाउस से कस्टमर के घर तक पहुंचाता है ना जो अमेजोन प्रोडक्ट, ये एफबीए फीस होती है, ये भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रही होती है, ठीक है। इसकी कोई एक्चुअल फिगर्स नहीं है कि कितने परसेंट होती है, ये हर प्रोडक्ट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है, ये ये तो वो उसकी कस्टमर अपनी पे है, करेंगे कोई ना, वेट है, कोई पैकिंग है, कोई कुछ भी हो सकता है जी। हाँ ये कस्टमर हमारे पे कर रहा था, हमारी सेलिंग प्राइस से ही कट रही होती है, हमने सेलिंग प्राइस लगा दी 29, उसमें से अमेजोन ये सारी फीसेज माइनस करेगा, हमें जाके ये प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। ये यहाँ तक चीजें सर समझ आई, जी जी बताएं आप क्या कह रहे हैं। सर ये जो मतलब ये जो परसेंट अमेजोन काट रहे हैं सर, ये प्रॉफिट से काट रही है मतलब टोटल कॉस्ट से आपकी और सेलिंग जितने प्राइस से हमने काट रहा है, लगाए। अच्छा जितने जिस प्राइस पे आपने लगाया ना सेलिंग प्राइस पे, उस सेलिंग प्राइस में से माइनस करेगा ये। सर ठीक है, जी अच्छा अब ये आप शीट आप अपनी देखते हैं, शीट में अब आपने क्या क्या चीजें ऐड करनी है। पहले हम लोगों ने एफबीए टूल किट से चीजें ऐड की हैं, डेली सेल्स और मंथली सेल्स, अब आपने ऐड करना है इसमें जो रेवेन्यू कैलकुलेटर में चीजें थी वो सारी ऐड करनी है आपने साथ साथ, फिर जी आपकी अब शीट मुकम्मल हो जाएगी, जो वर्किंग शीट है आपकी। अब इसमें आपने ऐड करना है सबसे पहले आइटम वेट ऐड करना है। अच्छा यूके के लिए आपने जैसे यूएस के लिए, अब हमने सेल सेंटर ये अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर .com खोला था, यूके के लिए रेवेन्यू कैलकुलेटर .co.uk खोलना है आपने, फिर उसके मुताबिक आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देगा, ठीक है। अब ये शीट में आपने जो चीजें ऐड करनी है वो ऐड करते जाएं।
सारी चीजें जो हमने उधर देखी है ना, वो सारी चीजें मैंने इधर ऐड की हैं जो हमने टेक्निकल प्रोग्राम में देखी हैं। अभी इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस ही ये थी, हमने ये ऐड की, आइटम वेट था हमारा 1.17। शिपिंग कॉस्ट से हमने एस्टिमेटेड ली थी, वो देख लेते हैं कितनी थी, 17.43। शिपिंग कॉस्ट कितनी ली थी हमने, याद है क्या थी शिपिंग कॉस्ट, क्या होती है? शिपिंग कॉस्ट उसकी हाफ, रेट ऑफ उसका वेट का हाफ होगा, वही होती है। ठीक है, रेफरल फी और ये एफबी फीस यहाँ पे लिखी हुई ऑलरेडी। रेफरल फी का तो आपने बता दी, एफबी फी क्या होती है? FBA फीस होती है जो अमेजोन के वेयर, ये FBA फीस ये वाली होती है जो नीचे आ रही है ना, ये इसके ऊपर कर्सर करोगे, ये फुलफिलमेंट पे अमेजोन, अमेजोन को जब कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया हमें, अमेजोन अपने वेयर हाउस से कस्टमर के घर तक जो पहुंचाने के चार्जेस लेते हैं ना हमसे, उसको FBA फीस कहते हैं। ठीक है, अब ये आपकी जो है ना शीट मुकम्मल हो गई है, ये अब आपने इस तरह से वर्किंग शीट अपनी बनानी है, जितने प्रोडक्ट्स अब तक निकाले हुए एसीज निकाले हुए उनके सारों के आपने इधर इसको पूरा एंड तक अब आपने फिल करना है। ठीक है, एफबी टूल किट देखना है, रेवेन्यू कैलकुलेटर देखना सर, ये एक प्रोडक्ट मैंने जी जी ये प्रोडक्ट ढूंढी है, उसमें ये नेट मार्जिन 50% दे रहा है। हाँ ठीक है, अच्छा होगा, प्राइस सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी उसकी, सेलिंग प्राइस आइटम की अपनी प्राइस जो है ना वो $15 है जी जी, तो बाकी जो है ना वो तो पाउंड्स में दिया हुआ है 0.75। क्या तो चीज वो शिपमेंट होगी तो बस ये दो नहीं, आपने 60% ऑफ दी सेलिंग प्राइस लेना है आपने प्रोडक्ट को, जब तक आपको हाँ, नहीं है 60% ऑफ जो उसकी कॉस्ट है मतलब $15 जी जी। ठीक है, हो सकता है उसके मुताबिक इतना बन सकता है, अगर आपने सारी रेवेन्यू कैलकुलेटर में ये सारी चीजें सही पुट की हैं तो फिर हो सकता है इतना प्रॉफिट हो उसका। ठीक है जी, रेवेन्यू कैलकुलेटर एफपी टूल किट समझ आ गई दोनों चीजें, अब कम से कम 100-150 निकालो कल तक, अब तो कीपा भी मिल गया, हीलियम 10 भी समझा दी, अब तो निकालने बहुत आसान है, फिल्टर्स लगाने और निकाले जाने हैं, सिर्फ उसकी सेल्स चेक करनी है और प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है। क्या ख्याल है आप, 100 तक निकलना चाहिए आप जो ऑनलाइन देख रहे हो आप लोग? 100 प्रोडक्ट सर, हाँ यार एटलीस्ट 100 तो निकालो अब कल तक, अब तो सारे फिल्टर्स बता दिए, अब तो कीपा वगैरह हर चीज आपको क्लियर हो गया, तो अब तो कम से फिल्टर्स लगाने और शीटें डाउनलोड करनी और रीचेक करके बस ये बनाना है आपने, मैनुअल भी नहीं, अब तो मैनुअल में फिर भी टाइम लगता है, अब तो सारा ऑटोमेटिक हो गया काम, टूल्स ने करना सारा काम, क्या ख्याल है? सही है तो सर, अगर आप ऐसा करें ना कि वैसे एक डॉक्यूमेंट टाइप की चीज बना लें, मतलब उसके ऊपर वर्ड के ऊपर लिख लें, मतलब हेडिंग देके ना, मिसाल के तौर पे कीपा की रहके उसके अंदर हमें किन किन चीजों को देखना चाहिए, इसी तरह एक हेडिंग देके, मतलब जो है ब्लैक बॉक्स वाला जो बताया था आपने, एक कौन सा ये हीलियम वाला, उसका स्काउट वाला हो गया, और इस तरह मतलब क्राइटेरिया, मतलब एक होता है ना कि बंदा ना हर टाइम जेन में चीज नहीं रहती, बंदा ये तो फिंगर टिप्स में याद होना चाहिए,
आपको फर्स्ट से याद होंगे ना, अभी स्टार्ट में तो अभी जो चलो मैं सर इधर प्रैक्टिस से आपको याद ग्राफ हो जाएगी, लेकिन ये की कि तरह वो क्या ना मैं बना के ना हाँ इधर ही शेयर करता हूँ ग्रुप में आपको। वो एक बना के ना, मतलब एक पेपर बना के या कोई लिख के, कीपा के अंदर ये चीजें हमें देखनी है, इसके अंदर हमें ये चीजें देखनी है, फलां के अंदर जनरल क्राइटेरिया क्या रखना है, एक प्रोडक्ट का रेटिंग कितनी होनी चाहिए मिनिमम, मतलब वो पूरा एक डॉक्यूमेंट टाइप एक ओवरव्यू हो जाएगा कि जिस चीज को देख के हमें कोई प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। ये नोट आपको बनाने के बाद रिसर्च दो नो भाई no, का। सर वो आप इतना वो तेज से चल रहे होते हैं ना, वो फिर दोबारा पूरा लेक्चर देख के तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो फिर बंदा साथ साथ नोट कैसे बनाए। अगर तेज चल रहा तो आप जाओ, तेज चल रहा हूँ। चलो मैं इधर लिख के आपको ना ये फाइल नहीं वो हम दूंगा। आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते ना, हम ये चाह रहे हैं कि ठीक है आप अपना टाइम लें, आपने समझा दिया एक ओवरव्यू, लेकिन बाद में एक ब्रीफ सा डॉक्यूमेंट, मतलब जिसमें मोटी मोटी चीजें लिखी हूँ, वो बाद में हम चलो प्रिंट निकाल के हम अपने पास साथ रख लें, कोई भी चीज हम प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं हम उसको चेक करते रहे, हाँ यार ये इस क्राइटेरिया के मुताबिक आ रहे नहीं आ रहा। ठीक है मैं इसको ना भी बल्कि बना के ना फाइल शेयर करता हूँ। वो मिनिमम जी में मैक्सिमम मेरे ख्याल में एक पेज में ही हो जाएगा। जी वो मैं भी बनाता हूँ। ये जूम खत्म होने वाला, दोबारा से मैं लिंक शेयर करता हूँ आपके साथ। जी ठीक।